थैंक यू सो मच यार। हाँ, पिक्चर्स तो बहुत ही अच्छी आई हैं। और पता है, जब मैं घर आई तो मेरे लिए मॉम ने और महाम ने तो एक सरप्राइज प्लान करके रखा था। ज़बरदस्ती एक पार्टी अरेंज की हुई थी। बस मैंने एक केक कट किया है। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, है ना? ओके बाय। आप लगता है अपनी फ्रेंड्स को अपनी क्लास का नहीं बताया? तो क्या मैं ये बता के शर्मिंदा हूँ उन्हें कि जो इतनी मेरी अमीर दोस्त हैं कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ? आप इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? वैसे भी हकीकत छुपा के ना आपकी क्लास बदलेगी और ना ही आपका स्टेटस। रहने दो, जब अमीर लोग गरीबों को वो तर्स और हमदर्दी वाली नज़र से देखते हैं ना, मुझे जहर लगते हैं। मैंने तो अपनी सारी दोस्तों को कहा हुआ है कि मेरे डैड 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं, मेरी बहन तुम केमिकल इंजीनियर हो और मॉम वो तो सोशल वर्कर है, और मैं बहुत ही लीड क्लास से बिलोंग करती हूँ। है सच में? तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी स्कूल में पढ़ाया, तुम लोगों को हमेशा हलाल खिलाया। अकबर भी मरते दम तक अपनी बीवी बच्चों को हलाल खिलाता रहा, लेकिन पता नहीं ये नवीद और शगुफ्ता के मुंह को कैसे हराम लग गया। मेरे पैसे की हवस होती है ना, ये कब्र तक नहीं जाती। और शगुफ्ता भाभी को तो शुरू से ही अमीर बनने का ख्वाब था। हर इंसान अपने हालात को बेहतर करना चाहता है, लेकिन ये सूद का कारोबार करके तो उसने हमारे खानदान का नाम ही बदनाम कर दिया है। और नहीं तो क्या, सारा मोहल्ला बातें कर रहा है, सुनकर आग लग जाती है। अरे मैंने तो शगुफ्ता को बहुत समझाया, यहाँ तक कि वो जो सूद लेने औरतें आती है ना, उनको भी पकड़ पकड़ के समझाती हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। ये जो हराम की लत और लज्जत है ना, ये कभी नहीं जाती। बस अल्लाह नेक हिदायत दे।